हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज का वीडियो रहेगा कि हम लोग का जो ये गाड़ी है, हम लोग का ये स्टार्ट नहीं हो रहा है, सेल्फ स्टार्ट नहीं हो रहा है, इसलिए हम लोग को ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है। जैसे आप देख सकते हैं, मैं चालू कर देता हूँ और ये इसका वोल्टेज 5 दिख रहा है, 5 5 6 में है, कुछ कुछ में, यानी कि हम लोग इसलिए हम लोग का स्टार्ट नहीं हो रहा है। तो देखते हैं हम लोग क्या करते हैं, या फिर हम लोग बैटरी चार्ज कर लेंगे। ये तो ये वाला पार्ट हम लोग खोल लेते हैं, ये फ्रंट वाला पार्ट, इसके बाद देखते हैं अंदर बैटरी क्या है क्या नहीं। चलिए तो खोल लेते हैं। तो आपने देखा कि ये हम लोग का जो बैटरी है ऑलमोस्ट पूरा डाउन हो गया है, चार्ज है नहीं। सेल्फ हॉर्न या फिर इंडिकेटर लेफ्ट राइट वाला चालू कर रहे हैं तो ये काम नहीं कर रहा है। मीन्स काम मीन्स जैसे हॉर्न दबा रहे हैं पूरा वोल्टेज 0 हो जाता है, फिर ये चलता ठीक है। लेकिन कुछ देर तक हम चलाए 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 लेकिन आधे रास्ते में ही रुक गया। रुक गया मीन्स एकदम इंजन ऑफ हो गया। फिर हमको किक मारना पड़ा, किक इतना सपोर्ट नहीं कर रहा था, इतना सपोर्ट मीन्स हम लोग का स्टार्ट नहीं हो रहा था किक से। बहुत ट्रायर के बाद एक बार स्टार्ट हुआ, फिर किसी तरह हम घर आए, फिर पहुंच गए यहाँ पर। देखे भाई क्या प्रॉब्लम है। एक्चुअली हुआ ये था कि मतलब एक रात मीन्स हम ऑन करके रख दिया, ऑन करके मतलब इग्निशन चालू करके रख दिया और हम भूल गए। फिर अगले दिन देखते हैं पूरा डाउन है, तो हम किक करके ट्राई किए, किक स्टार्ट हो गया। ऐसे बहुत बहुत बार हुआ है, लेकिन प्रॉब्लम तो तभी दिया जो ये जो आज आज सुबह हम उठे तो ये ज़्यादा प्रॉब्लम कर रहा था। ये इतना वोल्टेज तो हम कभी नहीं देखे थे, बाद में ये चीज़ हो गया। तो चलो भाई हम खोलते हैं, भाई चार्ज करना पड़ेगा। चार्ज करने के लिए हम तो मेरे यहाँ सामान नहीं था, लेकिन अपना अपना स्टाइल है जुगाड़ करना, तो हम जुगाड़ ये किए कि चले दिखाते हैं क्या किए। तो हम लोग के यहाँ चार्जिंग का कुछ इक्विपमेंट था नहीं, तो हम लोग तो जुगाड़ करेंगे। तो जुगाड़ हम लोगों ने ये किया कि मतलब ये हम लोग का जो सोलर पैनल था, जो कि पुराना था, घर में ऑलरेडी प्रेजेंट था, ये हमने इसी से चार्ज किया। और जो यहाँ लास्ट में एंड पॉइंट में हम एगो स्विच रखे थे जिससे हम कंट्रोल कर सके, और जो कि हम बैटरी में चार्ज किए, नेगेटिव टर्मिनल को नेगेटिव में जोड़े, अब पॉजिटिव को पॉजिटिव। ये ध्यान रखे कि ये जितना कनेक्शन था, कनेक्शन मीन्स जो था, पॉजिटिव टर्मिनल से एक वायर निकलता है, नेगेटिव टर्मिनल से एक वायर निकलता है। लेकिन हम लोग का एडिशनल है जो कि हम लोग चार्जिंग वाला है, एक केबल जो एक्स्ट्रा हम लोग जोड़ के रखे हैं। और जो वोल्टेज मीटर जो आप लोगों को यहाँ यहाँ दिख रहा है, वोल्टेज मीटर दिख रहा है, ये है इसका वायर। तो बस यही है, सबको हटा दिए थे और जो जो था हम वायर इससे कनेक्ट कर दिए थे, ये इसे नेगेटिव और पॉजिटिव में कनेक्ट कर दिए थे, और हम 2 घंटा के लिए छोड़ दिए थे। और तो हम लोग का हुआ ये कि मतलब हम लोग का पहले तो हम लोग का दिखा रहा था 4 5 वोल्टेज, जो सेल्फ नहीं होता था। तो हम लोग यहाँ पर किक मारते थे, किक किक मार मार के स्टार्ट करते थे, लेकिन किक भी इतना चलता नहीं था। मीन्स किक किक मार के स्टार्ट किए, इसके बाद कुछ देर चलता था, इसके बाद बंद हो जाता था। तो ये चलता था मतलब लॉन्ग लॉन्ग डिस्टेंस तक ही चल जाता था, इसके बाद बंद हो जाता था। फिर ये तो अलग बात है, बैटरी इतना लो हो गया था कि हम लोग का हॉर्न भी नहीं बज रहा था, इंडिकेटर भी नहीं बज रहा था, या फिर क्या बोलते हैं सेल, ये वोल्टेज के कर चलते हो गया था। तो मैंने मैंने चार्ज कर लिया है, तो अब वोल्टेज देख लेते हैं कि कितना वोल्टेज है। चलिए इग्निशन चालू कर देते हैं। अब देखिए, अब 12.89 कुछ 8 है, जैसे कि 12.8 है, देख पा रहे हैं जो। ठीक है, चार्ज कर लिए, तो चलिए एक बार सेल्फ करके दिखा देते हैं। बस, और हम लोग का चल रहा है जैसे, सब कुछ ठीक ठाक है। जैसे अभी वोल्टेज देखिए, अभी स्टार्ट कर दिए तो 13 13 14 भाग रहा है, लेकिन ये पहले नहीं हो रहा था, ये प्रॉब्लम था। तो वीडियो बनाने का सोचे नहीं थे, तो इतना डिटेल से स्टार्टिंग नहीं किए, इतना ठीक नहीं था। तो बस यही था, चार्जिंग वाला प्रोसेस छूट गया था। ये इजी था, ये आप चार्ज करवा सकते हैं। आप ये किसी शॉप में, वहाँ पर भी चार्ज होती है, 40 to 50 रुपीज़ ले लेगा, कहीं के पर डिफरेंस लेता है। बस यही था, और हम लोग का ठीक है ऑलमोस्ट ये चार्जिंग। तो चलिए यहीं पर ख़त्म करते हैं वीडियो। हम लोग का बैटरी पूरा ड्रेन आउट हो गया था, जिसके चलते हम लोग का सेल्फ नहीं ले रहा था, ऊपर से किक भी दे रहे तो स्टार्ट हो जा रहा था, वो बहुत बार किक करने के बाद स्टार्ट हो रहा था। तो बस यही था प्रॉब्लम। जो आई होप ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा, और जो इस चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगला वीडियो में, टिल देन बाय बाय, सेव राइट, टेक केयर।